रोना विदाई में, ठीक है, मैं कंटेंट बनाऊंगा, रोना बढ़िया से रोना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है मेन स्पेशल शादी वाला व्लॉग, क्योंकि कल मैं एक्चुअली अभी अपने घर पे आ चुका हूँ। कल मैं वहाँ था नवाबगंज में, बट वहाँ से बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, तो मेरे को ट्रैवल करके सबको घर लाना पड़ा, फिर सामान यहाँ पे कैरी करा। पापा रात में ही वापस चले गए थे कार से, तो पापा आ रहे हैं जस्ट अभी आधे घंटे में, मेरे को रेडी होना जल्दी से, उसके बाद यहाँ से निकलना डायरेक्ट बदायूं। हो सकता है मैं बस में बैठ जाऊँ, क्योंकि बस में सारे ही लोग हैं, सब मज़े करते हुए जा रहे हैं, ट्रैवलर बस में, तो हो सकता है मैं बस में बैठ जाऊँ, वरना कार से जाएंगे। जल्दी से रेडी होता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट कार या बस में। सो फाइनली कार भी आ चुकी है और सब रेडी हो चुके हैं, बस अब निकलना है बधाइयों के लिए, क्योंकि पहले रिंग सेरेमनी है, उसके बाद ही शादी होगी। 2 घंटे का रूट है यहाँ से, जल्दी ही पहुँच जाएंगे, रिंग सेरेमनी अटेंड करके फिर शाम को शादी है, मिलता है बधाइयों में। गाइस वो देखिए सरसों का तेल, लेकिन एक सेकंड, ये सरसों का तेल, अरे यार सरसों का तेल नहीं, सरसों का खेत। ये बाप के पैर तो छुओ, सेलिब्रिटी है तो पहले छूने पड़ेगा। अरे नहीं, कौन सेलिब्रिटी है भाई, सेलिब्रिटी कौन है भाई, ये तू अपना सेलिब्रिटी। अरे हे गाइस, तो फाइनली आ चुके हैं लॉन पे द पर्ल, अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रूम्स कैसे और सब अंदर कौन कौन है। चलो चलो सामान निकालो भैया। मैं निकाल रहा हूँ, तो गाइस ये रहा हमारा रूम, इसका बच्चा रो रही है, ये है हमारा रूम, ये बाथरूम एरिया, सामने है मिरर और कमोड वमोड अच्छा है, ये लगेज ड्रॉअर है, पहले तो लगेज नहीं दिखाते, ये एक और मिरर यहाँ पे सजने संवरने के लिए, एंड ये हमारा बेड। सो गाइस ये रहा हमारा रूम और बाहर का व्यू, ओ हो हो, बाहर का व्यू तो देखो, हमारे रूम का बाहर का व्यू तो देख भाई, रूम का कितना सेक्सी है, मुझे लगा बाहर का व्यू अच्छा होगा, ये है हमारे बाहर का व्यू। हे व्हाट्स अप ब्रो, हादी ब्रो, क्या हाल है मेरे भाई। यहाँ पे चल रहा है मिरर फोटोशूट और बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खा नहीं सकते हैं। किशन भाई रूम को लॉक कर दो, रूम को लॉक कर दो, गाइस भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, खाना खाता है फटाफट यार, पीछे पूरा बुफे लगा है। हेलो हेलो, ये है दुल्हन के भाई, मतलब मेरे भैया ही है, और आज कैसा लग रहा है, मतलब आज कोमल दीदी चली जाएंगे, मतलब सब सही लग रहा है यार, थोड़ा बुरा फील हो रहा है, लगना चाहिए, सही लग रहा है यार। ये रहा पूरा लॉन और अंदर वो है सिटिंग एरिया, वो भी काफ़ी बड़ा है। ये रहा खाना, मैंने जल्दी से लगा लिया और ये लोग भी साथ में खा रहे हैं, खाते हैं। गाइस फाइनली खाना तो खा लिया, पेट बहुत ज़्यादा भर गया, अब मैं रूम में जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना है, क्योंकि पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, कल रात भी लेट सोया था बिकॉज ऑफ एडिटिंग करते करते इतनी देर, 4 बज गए थे शायद। उसके बाद सुबह जल्दी उठना पड़ा, ट्रैवल ही कर रहा हूँ तब से, अभी खाना खाया, मैं सोच रहा हूँ रूम में आराम से रेस्ट करूँ थोड़ी देर। एट टू बी खाना खा रहे हो, खाओ खाओ खाओ, डिस्टर्ब नहीं करो, आराम से खाओ आप, अपनी फोटो ले, अपनी फोटो, हाँ यार क्या कुछ सेल्फी लेते हो, जाओ धीरे धीरे बोलो, पीछे से क्या कह रही हो, तुमने देखा नहीं यहाँ का व्यू, देखो देखो व्यू देखो, कैसे गाइस ये यहाँ का व्यू है, जहर व्यू है, अबे आराम से यार, ये जोर पर निकलने से मैं आ गया, नहीं करूंगा नहीं। हे गाइस, तो फाइनली मैं तो सो के उठ गया हूँ, रिफ्रेशिंग फील हो रहा है बहुत, क्योंकि सोया नहीं था, अभी 7 बजे ना, इसलिए ट्रैक सूट पहना, थोड़ी बहुत देर में जब चेंज करूँगा तो सूट पहनूंगा, और यहाँ पे सभी लौंडे मेरे साथ हैं, किसी ने अभी तक चेंज नहीं करा, सबके सब भाई हैं, कजन से, और अभी चेंज करेंगे थोड़ी बहुत देर में, फिर मस्ती करेंगे पूरी रात भर। भाई को सपोर्ट करो और फॉलो भी करो हमारे भाई को, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, बोल यूट्यूब है करो भाई, कर देंगे कर देंगे। डेकोरेशन तो बहुत सेक्सी हुई है, बस अब तैयार होना है और शादी के लिए रेडी होना है, शादी फेरे सब कुछ के लिए रेडी होना है, मैं सो लिया तो रात में सोने की भी दिक्कत भी नहीं है। तो फाइनली अब टाइम आ गया रेडी होने का, मैं सोच रहा हूँ हेयर वॉश कर लूँ, एंड क्योंकि बाल थोड़े से डर्ट वर्ट की वजह से हार्ड हो गए, हेयर वॉश करने की सोच रहा हूँ, एंड जल्दी से रेडी होते हैं फिर चलते हैं नीचे, सारे भाइयों से मिलते हैं, कौन कैसा लग रहा है मैं दिखाता हूँ इस वीडियो में आपको।
Hey guys, so finally मैं रेडी हो चुका हूँ और कमेंट सेक्शन में बताना मैं कैसा लगा। फुल मैं अपलोड करूँगा अभी, एक्चुअली मिरर थोड़ा घिरा हुआ है, मम्मी रेडी हो रही है इससे नहीं कर पा रहा, बाकी मैं मिरर सेल्फी और बैक से ले लूँगा। तो फाइनली ब्राइड आ चुकी है, उन्हें लेने जा रहे हैं, देखते हैं वो कैसी लग रही है। ब्राइड पोज देते हुए were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. ये लोग मेरे को आइसक्रीम लेके आए, अभी इतनी ठंड में रात के 2 बज गए, सब रूम में आ गए, ये भी वीडियो शूट कर रहे हैं। ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है। ये देखो ये मेरे लिए क्या लेके आई, क्या क्या ये डोनट है और ये पता नहीं क्या है, वो क्या है, वो शायद वो वाला हलवा है, मूंग दाल का हलवा है। थैंक यू, बट इतनी ठंड में मेरे लिए क्यों लेके आई है? क्योंकि मैं ऊपर आ रही थी। ओके थैंक यू गाइस। ये देखो मेरे साइड में कौन सो रहा है, आपको डोनट खाना है ना, हम डोनट मेरा बच्चा कैसा है, टेस्टी और दे। टेस्टी है ना, एक बार थोड़ा सा इधर देख के खिलाओ ना, वीडियो इधर बनी है, इधर देख के खिलाओ ना। चॉकलेट लगा दी, लो चॉकलेट लगा दी पूरी। हे गाइस, तो फिलहाल रात में शादी के टाइम मैं सो गया था और मतलब मैं फेरे वेरे नहीं देख पाया, लेकिन अभी विदाई के टाइम किसी ने उठाया तो मैं और मम्मी जा रहे हैं, ये भी सो गई थी, तो अभी हम जा रहे हैं विदाई में, बाकी सब रूम में सो रहे हैं। नहीं, लिपस्टिक छूट गई आपकी, चलो ये लाइए जूता छुपाने के लिए मेरे पास, तो अभी मैं ऐसे छुपा ले रहा हूँ आंटी में, आराम से छुपा रहा हूँ, मेरे से कोई ले भी नहीं पाएगा, पैसे मांग ले मोटे, उसके बाद दे देंगे ना आराम से। ओ यार अनकंफर्टेबल हो रहा है, एक सेकंड झलक दिखाए, आराम से पहना उठा, नहीं
इनको अलग दे लॉन्डो को नहीं मिलता क्या लड़कों को? किसी कुछ ऐसा है ही नहीं लड़कों के लिए कुछ मौसा जी देख रही हो आप देखो कितना बढ़िया सनराइज हो रहा है। हाँ यार मैं दिखाता हूँ गाइस ये देखो सन निकल रहा है निकल चुका है बस बादलों में है। कितना प्यारा लग रहा है यार विदाई नहीं कर रहा है एक घंटा हो गया मैं कंटेंट बनाने के लिए खड़ा हूँ कि यहाँ कोई रोए वोए मैं शूट करूँ किसी का रोना यार विदाई तो करो यार क्या कर रहे हो ये हमें बता देते कि इतने बजे विदाई होगी तुम्हें आ जाता रो जा रही हो भाई रोना विदाई में ठीक है मैं कंटेंट बनाऊंगा रोना है बढ़िया से रोना अच्छे से रोना कि मेरी वीडियो में आ जाए बढ़िया से शाबाश। तो अभी लोग मुझसे सामान रखवा रहे हैं पूरा पीछे का सामान बाहर रखा गया है और अभी थोड़ा बहुत रह गया बस काम करते हुए नहीं बना पाया ना वो छोटे बच्चे शाबाश बस कौन बैठा है वो कन्नू बैठी है ये टिम्मा की कन्नू कन्नू 1500 ओए मेरे यहाँ जूते चुराई के हो सुबह इस ब्रेकफास्ट हो रहा है सुबह ये रात दही पूरी सब्जी और वो जलेबी पकौड़िया ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं फिर चलते हैं रूम में विदाई भी होनी है अभी गाइस तो ताज़ा खबर यह कि 3 फोन चुर चुके हैं और फिलहाल किसी ने अपना रूम लॉक नहीं करा था लेकिन मैंने कुंडी लगाई थी अपने रूम की तो हमारा फ़ोन नहीं चुरा एंड जिसका फ़ोन चुरा था उनने पेट भर भर के खाना खाया पेट भर भर के ऐसा आप जो मम्मी शिवा सोनाली जी सब आए हुए हैं ब्रेकफास्ट करने तू अट रहे हे गाइस तो फाइनली अब विदा हो रही है 2 घंटे वेट करने के बाद पीछे से वो आ रही है अब चलते हैं देखते हैं उसका रिएक्शन क्या रोना वोना नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है लोग अभी गाड़ी के आगे खड़े क्योंकि गाड़ी को रोकना होता है पहले और कह रहे हैं रकम नहीं मिलती कितनी रकम 1 करोड़ अब सलमान भाई बनने का टाइम आ गया मैं तो साइड में हो जा रहा हूँ भाई तुम लोग जाओगे दीदी जा चुकी है और कन्नू भी अभी जाने वाली है थोड़ी देर में मैं भी बस घर के लिए निकल रहा हूँ थोड़ा सा पैकिंग में नहीं तू बोल मैं मामा के घर वापस जा रही हूँ मामा के घर क्यों जा रही हूँ वापस मामा ने हम मामा के लिए स्पेशल है दिल्ली वाले वेले होते हैं बिल्कुल कतई कतई ठल हुए तो आप क्या हो बरेली वाले ना हम तो घर जा रहे हैं डायरेक्ट That's it for today's vlog. I hope आप सभी को vlog अच्छा लगा रात से लेके दिन का फेरे का मैंने शूट नहीं करा बट वीडियो किसी ना किसी से मिल जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नेक्स्ट व्लॉग में एक तगड़ा सरप्राइज है सभी के लिए बहुत तगड़ा मतलब मजे आ जाएंगे सबको देखने पे तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसको एंड करता हूँ नया व्लॉग स्टार्ट करता हूँ बाय बाय तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है।